आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवद सुधाकर गांव में मनरेगा के तहत हो रही पोखर खुदाई के दौरान आज दो पक्षों में मारपीट व तमंचे से फायरिंग हुई। घटना में चार लोग जख्मी हुए, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच हमलावरों को दबोच लिया और घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया। जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवद सुधाकर गांव में निवर्तमान ग्राम प्रधान फिरदौस गांव की पोखरी में मनरेगा के तहत मजदूरों से कार्य करा रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष के लोग पोखरी पर पहुंचे और कार्य को रुकवा दिया। सूचना पर दूसरे पक्ष के कई लोग मौके पर पहुंचकर दोनों में कहासुनी के दौरान मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दी। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी की स्थिति ठीक है। घटना में पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। नाम है राजेंद्र राय, पटो सुधाकर। क्या मामला हुआ था? मामला यह होता है कि वो खड़ी थी, उसकी खुदाई हो रही थी, तो वह जाकर के जो है विपक्ष वाले उसको यानी कब्जा कर रखे हैं। कौन? और यही है, क्या नाम, केदार राय है, अर्पित है और राजेश, दिनेश, वो लोग मना किए और ये लोग मार करने की प्लानिंग पहले से ही रखे थे। तो तब तक लेबर आए खोदने के लिए, वो बताए कि नहीं खोदे थे, तब तक हम लोग गए देखने के लिए, तब तक लोग फायरिंग शुरू किया। हाँ देखिए, उसमें पांच लोग घायल हैं और वो मनरेगा के पोखरा खोदा जा रहा था, जो पोखरा था उस पर दूसरे व्यक्ति को अचानक पहले आपस में तूतू मैना होने लगी और फिर एक व्यक्ति ने तमंचे से फायर कर दिया अपने घर के ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस से। पांच लोगों को तमंचे की जो छर्रा है वो लगा है। इसमें पांच लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और एक जो तमंचा है वो बरामद कर लिया गया। सभी लोग ठीक हैं, इलाज चल रहा है और सभी लोग ठीक हैं। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।